अच्छे, तो आपने जिंदगी में अच्छे सोच का कितना इस्तेमाल किया है, और जो जाहिर है इंसान है कभी कभी मनफी सोच का भी इस्तेमाल होते हैं, आपने ज्यादा किसका इस्तेमाल किया है? वैसे तो सब लोग कहते हैं कि हम अच्छे सोच इस्तेमाल करते हैं, अच्छे सोच की एनर्जी, अच्छे सोच की ताकतों को इस्तेमाल करते हैं, तो आप मुझे हकीकत बताएं, आपने कितना मुस्बत को इस्तेमाल किया और कितना वैसे जो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा करती हूँ या ये हो, अपनी मैं तारीफ नहीं करूंगी क्योंकि गलतियां इंसान से होती रहती हैं। पर जब से मैंने आपका लेक्चर अटेंड किया है, मैंने आपसे समझा हीलिंग 1 to 4 लेवल किया है, SMS किया है, तो मैं अपने अंदर जितनी भी मेरी नेगेटिविटीज आप समझ लें या जितनी भी गलत माइंड में बातें होती हैं या किसी के लिए नेगेटिव सोचना, मैंने अपने अंदर बहुत ज्यादा अपने आप को बेहतर पाया है जब से मैंने आपकी क्लास को अटेंड किया है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। मुझे अच्छी सोच के लिए, अच्छी इलाज के लिए, अच्छी इलाज को गुजारने के लिए अच्छे रहनुमा की जरूरत होती है, अच्छे गाइड की जरूरत होती है, तो वो बिल्कुल, अच्छे गाइड की सूरत में आप हमें मिले हो। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी ये अच्छे सोच मेरे लिए मेरे अंदर को एनर्जी क्रिएट करते हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। डॉक्टर साहब, हमारे घर में जितनी भी मुश्किलें थी, जितनी भी फिजिकली या मेंटली जितनी भी हमें परेशानियां थी, मैंने किया। सबसे पहले मेरी मामा ने किया था 1 to 4, फिर मामा बहुत ज्यादा आपकी शख्सियत से, आपके इस रूहानी इलम से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुई थी। फिर उन्होंने मुझे, मेरी सिस्टर को और मेरे भाई को, हम तीनों ने फिर इकट्ठे आपकी सही संडा हीलिंग क्लास अटेंड की, 1 to 4 लेवल किया और SMS किया हमने। उस वक्त से माशा, हमारे अंदर बहुत ज्यादा अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव सोच आई है, हमने अपने अंदर बहुत सी तब्दीलियां देखी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे। अच्छा, आप वो जो दो बहनें एक भाई थे जी, जी, दर्शक जी, क्या नाम है आपका? दर्शक मेरे नाम सलोरा, सुमेरा, सुमेरा है ना? सलोरा। अच्छा, आपकी आवाज यहाँ गूंज रहे हैं, तो मुझे वहां से भी कंट्रोल रूम से भी मुझे नहीं बता रहे, या शायद कंट्रोल रूम की आवाज नहीं आ रहे मेरे ख्याल में। अच्छा ठीक है, आवाज नहीं आ रही सही, आई थिंक कंट्रोल रूम से, कि नाम क्या है। ठीक है, तो बिल्कुल आपकी आवाज यहाँ थोड़ा सा गूंज रहे, लेकिन इंशाल्लाह आपकी आवाज सही जा रहे हैं, लोग सही सुन रहे हैं। सवेरा नाम है, सवेरा ना? हेलो, कॉल कट गई, और सॉरी फोटो कॉल कट गई, आई एम सॉरी, वरना आपसे बड़े अच्छी बातें हो रही थी। और ये एक भाई दो बहनें थे, और बहुत ही अच्छे माशाल्लाह, एक बहुत अच्छे नियत थे इनकी, एक बहुत ही अच्छे इनके एक खूबसूरत सा बहुत जी। सवेरा दोबारा हमारे साथ लाइन पे हैं, सवेरा जी, जी सवेरा बात कर रही थी इस पे कि हमारी आप तो दो बहनें और एक भाई था आपका, जी और डॉक्टर साहब, जी आपके वालदा ने भी किए माशाल्लाह। मैंने भी किया। डॉक्टर, अच्छा मेरा जो समाज का बड़ा भाई है, अहमद अलीज का नाम है, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 months होगा। अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, इंशाल्लाह तब इंशाल्लाह आपकी शख्सियत, जी हेलो जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया है हमें, और हम बहुत आपको शुक्रिया, तकरीबन हर वक्त मिस करते रहते हैं, और हर वक्त हम आपको याद करते रहते हैं कि हमें इतनी मुश्किलों से निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर किसी ने हमारा सही पत्थर दिल से हाथ पकड़ा और हमारी हेल्प की है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं, और किसी ने हमारी इस तरह हेल्प नहीं की, ना ही हमें कोई इस तरह नजर आया कि जिसको हम अपना रहनुमा या रहबर समझ सके। बहुत शुक्रिया। आप लोगों का खुद इतने अच्छे सोच है, आप लोगों के इतने मुस्बत सोच है, आप मैंने देखा आपके तमाम लोगों के एक एक पॉजिटिव वेव्स, एक उनके आप लोगों के ऑरा मैंने देखे कि इतने क्लीन इंसाफ है, अल्लाह ने बहुत करम किया और बहुत अच्छे, थैंक यू, आप बहुत और बड़ा ज्यादा इनाम है हमारे लिए, कुदरत का बहुत बड़ा तोहफा है हमारे लिए,
मैं इसके लिए आपके सामने शेयर करूंगी कि 12 साल लड़की सपनी बनूरी पर रहती है, जिसके पास बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में कोई फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया है, और हम बात कर रहे हैं इसके कि किस तरह के एक अच्छे सोच और एक बेहतरीन सोच किस तरह बनते हैं। अच्छे सोच के बहुत से ज़राए हैं आपके पास। अगर अच्छे सोच बनाना चाहते हैं, अच्छे सोच के हामिल बनना चाहते हैं, तो होता यह है कि अच्छे सोच से आपके अंदर पीस आते हैं, आप इंसाफ कर पाते हैं, आप अपने माहौल को बेहतर कर सकते हैं। और जो अगर अल्लाह पे आपको भरोसा है और आप एक मजहबी शख्सियत है, आपको दीन पे भरोसा है, अल्लाह पे भरोसा है और अल्लाह को मानते हैं आप, तो फिर अच्छे सोच का होना तो बहुत हम तरीन है, ज़रूरी है कि हम अच्छे सोच रखें और अच्छे सोच को पहचान ले। कहाँ से अच्छे सोच क्रिएट होती है और ये सोच हमसे कैसे अमल करवाते हैं। अभी अगर आपने सोचा कि मुझे कुछ अच्छा करना है, आज आज मुझे कुछ अच्छा करना है, तो आप यकीन माने आज आप अच्छा करेंगे, कोई ना कोई काम आपसे अच्छा ज़रूर होगा आज, क्योंकि आपने सोचा है वैसा कि अच्छा। तो ये होता है सोच की ताकत। और अगर आपने सोच को की फ्रिक्वेंसी को लो किए कि मुझे अच्छा सोच नहीं, मुझे मकसद उसके बदले वो होनी चाहिए, ऐसे वैसे वो चाहनी चाहिए, जितना लोगों को पकड़ के जकड़ के रखते हैं तो ये हो जाता है, वो हो जाता है, जितना लोगों को आप बदमाशी दिखाते हैं, जितना लोगों से बदले लेना चाहते हैं तो वो अच्छे होते हैं और उससे इंसाफ मिलता है, तो ये इंसाफ नहीं हो सकता है और आपको इंसाफ नहीं मिल सकता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि अच्छे नियत और अच्छे सोच रखें। आई कॉल होल्ड पे हैं कि हमारे साथ कौन शामिल हैं। एक कॉल होल्ड पे हैं, हम बात करेंगे कि अच्छे सोच से ज़िंदगी कैसे बनती है। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, आवाज़ नहीं आ रहे हैं आपके। जी आपके आवाज़ वहाँ सही हो रहे होंगे लेकिन यहाँ मुझे नहीं आ रहे आवाज़ आपके। आई एम सॉरी, आपके आवाज़ मुझे नहीं आ रहे। जी 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 आप थोड़े से आवाज आए। जी आपका टॉपिक अच्छी सोच से अच्छी जिंदगी बनती है। जी जी बहुत अच्छी बात है जी। क्या बनते हैं ऐसे सोच से जिंदगी बन सकते हैं? सही बिल्कुल बनता है, क्योंकि हदीस में आता है कि इन्ना मल्ला मालू बिन नियाद, सारे अमल नियत से है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात कही, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। जी जी, आपकी नियत होगी उस तरह का आप अमल करेंगे। अगर आपकी अच्छी नीयत होगी तो आप अच्छी सोच रखेंगे, माशाल्लाह, आप अच्छे अमल करेंगे तो आपके अच्छे अमल से आपकी अच्छी जिंदगी बनेगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। आप कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं गुजरावाला से उमेर बात कर रहा हूँ। उमेर 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 जी 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 उमेर अली जी जी, ठीक है। तो उमेर, क्या सोच आपने कैसे बदला और ये सोच होती क्या है और इस सोच कैसे इंसान से अमल करवाते हैं, क्या ये क्या है, किस तरह अच्छे सोच कहाँ से आती हैं और बुरी सोच? दीन के हवाले से तो अच्छे सोच है अल्लाह की ताकतों की तरफ से आते हैं और बुरा सोच है वो शैतान की तरफ से आते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये सोच हमारे अंदर जो क्रिएट होती है, इसमें अच्छे सोच भी हमसे काम करवा रहे होते हैं, बुरा सोच भी हमें काम करवा रहे होते हैं? अगला प्रोग्राम मेरे इस पे होगा, क्योंकि सोच का बड़ा अमल दखल है ज़िंदगी में। तो अगला प्रोग्राम भी मेरा इंशाल्लाह मनफी सोच पे, क्या मनफी सोच के उस पे होगा, हम उस पे भी बात कर सकते हैं कि क्या मनफी सोच सेहत को ख़राब करते हैं। मनफी सोच हमारी
हमारी हेल्थ को भी खराब करती है और हमारे आस पास के लोगों को भी उससे नुकसान होता है अगर हम अच्छा नहीं सोचेंगे तो ना हमसे हमारा अल्लाह खुश होगा ना हमारे के इर्द गिर्द के लोग खुश होंगे, क्योंकि जिंदगी का दारोमदार आखिरत पे है और हम यहाँ पे अगर अच्छे अमल नहीं करेंगे तो हमें आखिरत में भी इसका अच्छा सिला नहीं मिल सकता जी। अच्छा अभी तो हमारा मौजू है इसके कि अच्छे सोच अच्छे बे बात करेंगे, दूसरे प्रोग्राम में फिर इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे कि मनफी सोच सेहत को कैसे ख़राब करते हैं, ज़िंदगी को कैसे अजीरन कर देते हैं, वो तो अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह उस बताएंगे। लेकिन अभी इस पे हम अच्छे सोच ज़िंदगी कैसे अच्छे बनाते हैं, वाकई में हमारी अच्छी सोच हमें अच्छी हेल्प देती है और हमें खुश रखती है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे जो रिलेटिव्स हैं तो जो दोस्त हैं वो सभी रिश्तेदार हमसे खुश होंगे, हम अच्छी सोच के जरिए अच्छे अमल करेंगे। अच्छा देखिए बहुत से लोग हैं कि वो कहते हैं सोच से कुछ नहीं होता है, सोच जितना भी अच्छे रखो तो किसी को कुछ नहीं मिलता है, ये सोच ऐसी होती है, सोच जब तक अमल ना करे तो कुछ नहीं होता है। अच्छा सोच और अमल का क्या फर्क है? सोच और अमल का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले कहा अगर हम पहले कोई अमल करने से पहले हम सोचते हैं, जिस तरह का हम सोचते हैं फिर उस तरह का हम अमल करेंगे। सही, हम अच्छा सोचेंगे तो हमसे अच्छा अमल होगा, नहीं तो अगर हम जिस तरह का सोचेंगे हमसे उसी तरह का अमल होगा। अच्छा बहुत से ऐसे लोग हैं जो वो ये समझते हैं कि ये जो सोच है जितना मर्जी सोचे जितना अच्छा सोचे कभी किसी से अच्छा होता नहीं है, तो क्या ऐसा होता है, ऐसा ऐसा सच है ये बात? नहीं, अच्छी सोच से हमें अच्छे मिलेगा, जो भी अच्छा अगर हम अमल करेंगे हमारा अल्लाह भी खुश होगा उससे, हमसे लोग भी खुश होंगे, हमसे सब खुश होंगे। तो इसका मतलब है आपने अमल की बात कही कि जो अच्छा जो इंसान अच्छा सोचते हैं वो अच्छा अमल भी करते हैं। जी जी, ऑब्वियसली जब हम अच्छा सोचेंगे हमारी सोच अच्छी होगी, हम अच्छा सोचेंगे पॉजिटिव सोचेंगे दूसरों के बारे में खुद के बारे में सबके बारे में एक अच्छी सोच रखेंगे तो हमारे अमल खुद ब खुद ही अच्छे हो जाएंगे, हम अच्छे तरीके से किसी से बात करेंगे तो हमारे अमल भी उसी तरह अच्छे होंगे। सही सही सही, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आपने जिंदगी में कोई ऐसा तजुर्बा के कोई मिसाल बता सकते हैं जब आप मैंने आपके जो SMS लेवल किया है समझा, इसके बाद मुझे अपनी लाइफ काफी सिक्योर फील होती है, क्योंकि पहले मेरा इस तरह मुझे नहीं थी लगती, जितनी मुझे इसके बाद सिक्योर अपनी लाइफ फील होने लग गई है। अच्छा, वाकई में इससे बहुत हमारी लाइफ में चेंज आता है। मैं कहना चाहूंगा कि बल्कि जिन लोगों ने नहीं किया वो ये जरूर ट्राई करें, वो खुद जाके एक्सपीरियंस करके देखें, उनको खुद बहुत अच्छा ये एक्सपीरियंस होगा कि वो जरूर, मैं बल्कि अभी मैंने इतना किया, मैं इंशाल्लाह ताला आगे इसके एडवांस लेवल जो है वो भी करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं कि जिंदगी में कोई आपने कोई अच्छा सोचा होगा और वो काम फिर आपने अच्छा अमल भी किया हो, कोई ऐसा तजुर्बा है जिंदगी में? ऐसे तो जुड़ता तो बहुत है लेकिन इस टाइम मुझे भी कोई याद नहीं आ रहा। सही, ठीक है, कभी याद करो फिर जरूर बताएं मुझे। सही है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, यू आर वेलकम, अल्लाह हाफिज। माँ जी, अच्छी सोच अच्छी जिंदगी कैसे बनते हैं ये, या सोच से क्या अच्छी जिंदगी बनते हैं? अब मैं समझता हूँ कि मेरे खुद रिसर्च के मुताबिक जो मैंने इस पे तहकीक किए रिसर्च किए, हमारी सोच है हमारे से सब कुछ करवाते हैं, अमल जो भी हो सोच करवाते हैं हमसे, वो अमल जो सोच से होती है वो कोई भी क्या नहीं पॉसिबल नहीं होते कि सोच है, वो अमल जो आते हैं हमारे जो भी अमल हमसे होते हैं तमाम के तमाम सोच से ही होती है। वॉच मी ऑन हैक टीवी इन हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम एवरी मॉर्निंग एट 8 AM लर्न HMF ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स द वर्ल्ड मोस्ट सक्सेसिव फार्मूला लर्न वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी समदा अटेंड माय सेमिनार इन लाहौर इस्लामाबाद एंड कराची हील एंड कंट्रोल ऑल अनक्यूरेबल डिजीज थ्रू नेचुरल वे ऑफ हीलिंग एंड कनेक्ट विद द नेचर
control and enhance your mind power through a natural way of healing with no side effects. For more info, call us and read my books and visit www.zealsciences.com and samadmusafir.com and watch my all program on YouTube and join our groups on Facebook. Join us and connect with the nature.